हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी चारकोल फेस वॉश। घर पर हम चारकोल फेस वॉश कैसे बना सकते हैं, तो ये इसके लिए हमें चाहिए डव सोप, साथ में हमें चाहिए एलमंड ऑयल और चाहिए हमें चारकोल पाउडर। यहाँ पर जो चारकोल पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने घर पर ही रेडी किया है, आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो साथ में आपको चाहिए खाली कंटेनर, आप कोई सा भी खाली कंटेनर ले सकते हैं। तो ये चारकोल फेस वॉश मैं बनाऊंगी और एंड इसके वीडियो के एंड में मैं आपको अपने फेस पर भी अप्लाई करके इसको दिखाऊंगी, डेमो दिखाऊंगी। और सबसे पहले मैं यहाँ पर डव सोप को हाफ़ कर लूँगी, हाफ़ डव सोप लूँगी इस फेस वॉश को बनाने के लिए। अगर आपके पास आप डव सोप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप जो सोप बेस मिल जाता है, बिल्कुल भी जो होता है वो नेचुरल होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं डव सोप यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये भी आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा सोप होता है। आप इसको अपने ब्यूटी बार की तरह यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल भी हार्मफुल केमिकल्स इसमें नहीं होते हैं जो आपकी स्किन को कोई भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं यहाँ पर डव सोप को हाफ़ कर लूँगी क्योंकि मैं यहाँ पर 120 ml क्वांटिटी में फेस वॉश को बना रही हूँ। तो हाफ डव सोप लेकर इसको मैं ग्रेट कर लूँगी। और अच्छे से ग्रेट करने के बाद हम इसको इसकी जो क्वांटिटी है, मैंने आपको बताई थी कि मैं 120 ml का फेस वॉश जो है क्वांटिटी 120 ml बना रही हूँ, तो मैंने उतना ही पानी लिया है। 120 ml मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था और उसमें मैंने ये ग्रेट किया हुआ जो सोप है वो डाल दिया है। हम इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे, जब 2 बॉयल्स इसमें आ जाएंगे, 2 बार ये बॉयल हो जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। तो ये 2 बार बॉयल हो चुका है, तो इसके बाद हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ये भी जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रह जाए। तो इस अच्छे से स्ट्रेन करने के बाद हमें ये एक स्मूथ सी पेस्ट मिल जाएगी। तो मैंने इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है, अब मुझे ये स्मूथ सी पेस्ट मिल चुकी है। तो इसमें मैं अब सबसे पहले डालूंगी एलमंड ऑयल, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें अब मैं डालूंगी एलमंड ऑयल, यहाँ पर मैं 1 चम्मच एलमंड ऑयल डाल रही हूँ, 1 छोटा चम्मच। कैप की मैं हेल्प से यहाँ पर डाल रही हूँ, 2 कैप्स डाल रही हूँ, 1 छोटा चम्मच हो जाएगा। मैं एलमंड ऑयल डाल रही हूँ ताकि आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहे, क्योंकि जो चारकोल होता है हमारी स्किन को बिल्कुल ड्राई कर देता है, हमारी स्किन से एक्सेस ऑयल को निकाल देता है। तो जो एलमंड ऑयल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स भी इसमें डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं डालूंगी चारकोल पाउडर, 1/2 चम्मच मैं इसमें चारकोल पाउडर डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालना है, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देगा। और चारकोल पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं, आप इसमें जो 1/2 चम्मच ग्लिसरीन डाल सकते हैं ताकि आपकी स्किन जो है बिल्कुल भी ड्राई ना रहे। इसके साथ वॉश करने के बाद बिल्कुल फेस जो है सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फेस वॉश बनकर रेडी हो चुका है, तो ये बिल्कुल भी जमेगा नहीं, ऐसे ही लिक्विड फेस वॉश बना रहेगा। बहुत अच्छे से फेस वॉश बनकर रेडी हुआ है, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे कंटेनर में डाल लेंगे, ये ऐसे इसको मैं दूसरे किसी कंटेनर में डालकर इसमें डालूंगी ताकि ये नीचे ना गिरे। तो ये हमारा चारकोल फेस वॉश बनकर रेडी हो गया है। चारकोल के बारे में तो आप जानते ही हैं कि हमारी फेस के लिए कितना अच्छा है, और कितने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आजकल चारकोल के चल रहे हैं, बहुत सारे स्क्रबिंग स्क्रब वगैरह और फेस वॉश
मास्क, बहुत सारे जो आ रहे हैं चारकोल के, जिससे आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाती है या आपकी स्किन से बिल्कुल भी डर्ट पोल्यूशन की जो भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ठीक कर देता है, एक्सेस ऑयल को खींच देता है आपकी स्किन में से, डेड सेल्स को रिमूव कर देता है, तो बिल्कुल आपकी स्किन सॉफ्ट और स्मूथ रहती है। मैं आपको इसको पहले अपने हैंड पे यूज़ करके दिखाऊंगी, उसके बाद आपको मैं अपने फेस पर भी इसको लगाकर दिखाऊंगी। ऐसे इसके मैं 2 पंप्स ले लूंगी और इसको अच्छे से मसाज कर लेनी है। तो ये जो मैंने चारकोल पाउडर बनाया था, मैंने अखरोट के छिलके से बनाया था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं है ये, एक माइल्ड से स्क्रब का काम भी करता है ये, तो बहुत अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन कर देता है। इसको अच्छे से मसाज करने के बाद आपको इसको वॉश कर देना है। आप जब इसे पहले वॉश में ही आपको पता चल जाएगा आपकी स्किन कितनी क्लीन हो गई है, तो बिल्कुल ग्लो करेगी आपकी स्किन। देखिए, तो अब मैं आपको इसको अपने फेस पर भी अप्लाई करके बताऊंगी। ये हमारा चारकोल फेस वॉश रेडी हो चुका है। आप इसे इतनी क्वांटिटी में ही बनाइए ताकि आपका ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ना चले, थोड़े देर बाद आप इसको दोबारा से बना सकते हैं। तो अब मैं आपको अपने फेस पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं जिस दिन मैंने ये वीडियो का वॉइस कवरिंग किया था, मुझे 3 से 4 दिन इसको यूज़ करते हुए हो चुके थे। तो सबसे पहले अपने फेस को वेट कर लेना है, उसके बाद इसके आपको 2 पंप्स लेने हैं और अपने फेस पे अच्छे से 2 मिनट तक मसाज करनी है। तो मैं इसे पूरे चार दिन तक इस फेस वॉश के साथ अपने फेस को 3 टाइम मैं वॉश करती थी ताकि मुझे पता चल सके कि इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है या फेस पर किसी तरह भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई मुझे इसको यूज़ करने के बाद, तब जाकर मैंने इसका आपको वीडियो शेयर किया है। अदरवाइज़ मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आती है या मुझे लगता कि ये फेस पे कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ नुकसान कर रहा है, तो मैं ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं डालती। तो मुझे इसने कुछ भी ऐसा रिज़ल्ट नहीं दिया कि मैं आपको इसको वीडियो को पोस्ट ना कर सकूँ। तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया इसने, मेरी स्किन को बिल्कुल क्लीन कर दिया है और बिल्कुल ग्लोइंग सी स्किन हो गई है और सॉफ्ट सी स्किन रहती है। एक्ने पिंपल्स की जो प्रॉब्लम समर्स में आ जाती हैं वो भी इससे ठीक हो जाती है। और आपके घर में जो हैंड होममेड फेस वॉश बना वो तो बिल्कुल अच्छा होता है। मैं इसको 2 मिनट तक मसाज कर रही हूँ और उसके बाद फेस को वॉश कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं फेस पे अच्छी सी ग्लो आ जाती है, फेस एकदम क्लीन हो जाता है, डेड स्किन होती है वो भी निकल जाती है और एक्सेस ऑयल होता है जो वो भी क्लीन हो जाता है। तो आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। मेरी तरफ से आप बिल्कुल अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए बिल्कुल स्किन क्लीन हो चुकी है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना उनके साथ जिनको समर्स में ऐसे फेस वॉश की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन होगा उसे भी दबा देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।